वेलकम टू शालिनी हुबलिकर्स चैनल। तो आज हम सीखेंगे 8th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स का 5th चैप्टर जो है एक्सपेंशन फार्मूला। और हम लोगों ने पिछला जो इसका पार्ट किया था उसमें हम लोगों ने जो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट था वो कर लिया था, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे इसका सेकेंड प्रैक्टिस सेट। तो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में जो है हम लोगों ने देखा था कि हम लोग को स्क्वायर जो है जो ब्रैकेट स्क्वायर वाला फॉर्मूला आता है उसको हमें कैसे एक्सपैंड करना है, और जो एक्सपैंडेड फॉर्म है उसको हमें कैसे ब्रैकेट स्क्वायर में लाना है वापस, ठीक है। तो हम लोग को स्क्वायर यूज़ करके हम लोगों ने वो सॉल्व किया हुआ था। आज हम सीखेंगे कि हम लोग को क्यूब कैसे निकालना है। तो पहले हम लोगों ने सीखा था फर्स्ट इसमें कि एक्सपेंशन ऑफ ब्रैकेट स्क्वायर कैसे होता है, आज हम सीखेंगे एक्सपेंशन ऑफ ब्रैकेट क्यूब कैसे होता है, ठीक है। तो पहले ये जो बेसिक फॉर्मूला है हम लोग वो जो डेराइव किया गया है जिसपे से a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब, वो फॉर्मूला हम लोग पहले सीख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू व्हाट। तो हम लोगों ने तीन बार इसको लिया, तो क्यूब का मतलब क्या होता है, सेम नंबर मल्टीप्लाइड थ्राइस, ठीक है। तो हम लोगों ने a प्लस बी ब्रैकेट को क्या किया, तीन बार मल्टीप्लाई किया, तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। इसका ही हम लोगों ने क्या किया, दो ए प्लस बी को कंबाइन कर लिया और एक ए प्लस बी वैसे ही रखा, तो यहाँ पे क्या हो गया, वन एंड टू। तो ऐसे तीन ए प्लस बी हम लोगों ने एक और दो में डिवाइड किए हैं, ठीक है। इसके नेक्स्ट स्टेप क्या किया है, ए प्लस बी वैसे ही रखा। अभी ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर जो है उसका हम लोगों ने क्या किया, एक्सपेंशन किया जो हम लोगों ने पहले सीखा हुआ था। तो अभी हम क्या करेंगे, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला डालेंगे, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर क्या आएगा हमारा आंसर, देखिए अभी दो ब्रैकेट हो गया, अभी इसका आगे तो कोई ऑपरेशन हो नहीं सकता ये स्टेप में, तो दो ब्रैकेट में से हम लोगों ने जो छोटा वाला ब्रैकेट है वो ब्रेक किया जैसे हम लोगों ने ऊपर सीखा हुआ है पहले ही, और क्या किया, मल्टीप्लिकेशन किया। तो ए प्लस बी वाला ब्रैकेट हम लोगों ने ओपन किया और ये जो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर वाला ब्रैकेट था उसको हम लोगों ने दोनों से मल्टीप्लाई किया। तो a इंटू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस वैसे ही रहा, ये दोनों के बीच का प्लस है वो भूलना नहीं है हमको, ठीक है, b इंटू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे मल्टीप्लीकेशन करके, a इंटू ए स्क्वायर इज ए क्यूब प्लस a इंटू टू ए बी इज टू, वैसे ही रहेगा a इंटू ए इज ए स्क्वायर एंड b का b वैसे ही रहेगा प्लस a इंटू बी स्क्वायर इज ए बी स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या करेंगे, b से मल्टीप्लाई करा हुआ आंसर निकालेंगे, b इंटू ए स्क्वायर इज बी ए स्क्वायर प्लस टू ए बी से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, टू ए बी स्क्वायर, ठीक है, और b इंटू बी स्क्वायर इज बी क्यूब। तो अभी हम लोग इसमें जो भी कॉमन है वो साथ में ले लेंगे, तो a क्यूब वैसे ही रहेगा, 2ab square plus a square, sorry, 2a square b plus a square b, ठीक है, उसका क्या हो गया, 3a square b plus ab square plus 2ab square, तो 2 और 1 क्या हो गया, 3। तो अभी आप ये मत बोलना कि यहाँ पे आपको कोई नंबर ही नहीं दिया है, ये हम लोग को पता है कि वेरिएबल के आगे नंबर नहीं होगा, तो क्या होगा वहाँ पे नंबर, जिसको हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा ये आंसर क्या आया फाइनली, a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब का आंसर इज a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ठीक है। तो हम लोग यही फॉर्मूला यूज करके क्या करेंगे, आगे का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो सॉल्व करेंगे। तो हमारे कन्वीनियंस के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जो हम लोग को सॉल्व एग्जांपल्स दिए हुए हैं वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, लेट अस स्टडी सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन द अबव एक्सपेंशन ऑफ फार्मूला। जैसे मैंने आपको बोला सॉल्व एग्जांपल हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं, एक्स प्लस थ्री ब्रैकेट क्यू। तो हम लोग को क्या बोला है, जो फॉर्मूला डालने का था वही हम लोग डालेंगे। अभी a प्लस बी था तो x क्या हो गया हमारा, a जो था वो x हो गया और b जो था वो 3 है, इसका वैल्यूज हाँ हम लोग को सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको आगे का दिया हुआ है, तो
एक्स प्लस थ्री क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब, मतलब जो ए क्यूब था वो है एक्स क्यूब प्लस थ्री इंटू ए स्क्वायर का एक्स स्क्वायर इंटू बी दैट इज थ्री, प्लस थ्री इंटू ए इंटू बी स्क्वायर, तो थ्री इंटू एक्स जो ए था और बी स्क्वायर क्या था थ्री है, प्लस थ्री स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू अभी ए एक्स क्यूब वैसे ही रहेगा प्लस थ्री थ्री जा नाइन और एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा, फिर थ्री 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 इंटू थ्री का स्क्वायर क्या है नाइन, तो नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन और एक्स वैसे ही रहेगा और थ्री क्यूब क्या आएगा ट्वेंटी सेवन। ठीक है, समझा आपको, आई होप आपको समझ गया होगा। वैसे ही हमें क्या करना है आगे जो है 3x प्लस 4y स्क्वायर है उसको भी सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे हम लोग, 3x क्यूब आएगा पहले, फिर आएगा प्लस 3 इंटू 3x स्क्वायर इंटू 4y प्लस 3 इंटू 3x स्क्वायर इंटू 4y स्क्वायर, 3x इंटू 4y स्क्वायर प्लस 4y क्यूब, तो 3x क्यूब क्या आएगा 3 का क्यूब है 27 और x का क्यूब इज x क्यूब, प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर क्या है 9 और x का स्क्वायर x, तो 9x स्क्वायर इंटू 4y वैसे ही रहेगा, प्लस 3 वैसे ही रखा है यहाँ पे, 3x भी वैसे ही रखा है इंटू, और 4y स्क्वायर इज हाउ मच 16y स्क्वायर, प्लस 4 का क्यूब इज 64 एंड y का क्यूब इज y, तो अभी सॉल्व करते हैं 27x क्यूब वैसे ही रहेगा प्लस 108x स्क्वायर y, तो इसका टोटल मल्टीप्लीकेशन हम लोगों ने किया तो हम लोग को क्या मिला आंसर 108x स्क्वायर y, प्लस ये टोटल मल्टीप्लीकेशन किया 3 इंटू 16 तो क्या हो गया 144x स्क्वायर y, प्लस क्या हो जाएगा हमारा ये जो बचा हुआ था 64y क्यूब वो वैसे ही हम लोगों ने लिखा है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं अगला एग्जांपल जो है थर्ड एग्जांपल और ये है फ्रैक्शन में। ठीक है, तो 2m अपॉन n प्लस n अपॉन 2m ब्रैकेट क्यूब, तो वैसे ही हम लोग को सॉल्व करना है, फ्रैक्शन आ गया तो सीधा डरने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग ने जैसे फॉर्मूला में डाला था वैसे ही सॉल्व करना है, बस आपको थोड़ा प्लस माइनस का साइन देते टाइम और अपॉन का साइन आपको याद से देना है, वो बिल्कुल भी भूलना नहीं है वरना आपका सम रॉन्ग होएगा। ठीक है, ये आपको बस याद रखना है, बाकी सब सॉल्व करने का तरीका सेम है। तो पहले 2m अपॉन n क्यूब प्लस 3 इंटू 2m अपॉन n स्क्वायर प्लस इंटू n अपॉन 2m प्लस सेकेंड वाला पोर्शन अभी 3 इंटू 2m अपॉन n इंटू n अपॉन 2m ब्रैकेट स्क्वायर प्लस n अपॉन 2m क्यूब। इसका आंसर निकालेंगे, 2 का क्यूब क्या है 8 है, m का क्यूब m क्यूब अपॉन n का क्यूब n क्यूब, तो ये ऊपर ही सिर्फ नहीं देना है, नीचे डिनोमिनेटर को भूलना नहीं है, उसका भी हमें क्यूब लिखना ही है। प्लस क्या आएगा, 3 को वैसे ही रखा, पहले इसका स्क्वायर निकाला 2 स्क्वायर 4 m स्क्वायर का, m का स्क्वायर क्या है m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इज n स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या वैसे ही रखा है ये वाला n अपॉन 2m वैसे ही रखा है, प्लस 3 वैसे ही है 2m अपॉन n वैसे ही है, n स्क्वायर इज n स्क्वायर, 2m स्क्वायर इज हाउ मच 4m स्क्वायर प्लस n क्यूब और 2 का क्यूब क्या है 8m क्यूब। अभी क्या करेंगे, 8m क्यूब अपॉन n क्यूब प्लस क्या हुआ है यहाँ पे, हाँ 3 इंटू हम लोगों ने क्या किया 4 किया, तो 3 4 सा 12 अपॉन 2 क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचता है, और ये देखिए यहाँ से 1m कट हो रहा है, यहाँ से 1m कट हो रहा है, तो m भी एक ही बचेगा, n यहाँ पे नीचे एक ही बचता है और ऊपर का कट हो जाता है। ठीक है, तो क्या बचेगा हमारे पास 6mn, समझ रहे हो आप। अभी क्या करेंगे, क्योंकि ये डिविजन है इसके लिए, फ्रैक्शन है इसके लिए हम लोग यहाँ पे रिड्यूस फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, 3 है वापस क्या हो जाएगा 3 टू जा 6 और नीचे क्या है अपॉन 4 है, तो 3 तो 2 वन जा 2 एंड 4 जो है वो कट जाएगा, तो 4 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो डिवीजन जाएगा 2
वनजा एंड टू टूजा, ठीक है। और एन यहाँ से कट हो जाएगा और यहाँ पे एक ही एन बचेगा, एम एक यहाँ से कट होके एम बचेगा और ये कट हो जाएगा, तो 3 × n बचेगा ऊपर सिर्फ, तो 3n/4 नहीं 2m बचेगा। देखिए यहाँ पे कैसे, तो हम लोगों ने ये रिड्यूस फॉर्म किया है बेसिकली मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे आप एक स्टेप ऐड कर सकते हो अगर आपको कन्वीनियंटली करना है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी, नीचे हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तभी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या था, जो वैसा था हम लोगों ने वैसे ही रखा, n³/8m², ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा लेकिन बहुत ही आसान है, एक बार आप समझ जाओगे तो। अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आपको आसान और भी लगने लगेगा, ठीक है। फोर्थ वाला सम देखते हैं। अभी सिर्फ 41³ दिया है, तो जैसे हम लोग को यहाँ पे 101, 199 का स्क्वायर दिया था और हम लोग को उसको खुद से फैक्टराइज करके सॉल्व करना था, वैसे ही हम लोग को इसको भी करना है। तो हम लोग को 41 को ऐसे नंबर में डिवाइड करना है कि एक एटलीस्ट ऐसा नंबर आए जो होल क्यूब हो, ठीक है, किसी नंबर का। तो हम लोगों ने 41 को किस में डिवाइड किया, 40+1 में किया, तो 40 का क्यूब प्लस 3×40² × 1। तो ये हम लोगों ने जो फर्स्ट हम लोग का सीक्वेंस था 3a² b वाला, वो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है वैल्यू डाल के। फिर सेकंड सीक्वेंस करेंगे 3ab² का और फिर b³, ठीक है। फिर उसका आंसर्स निकालेंगे, 40³ = 64,000 प्लस 3×40² × 1 इज हाउ मच, 4,800 प्लस 3×40×1² इज हाउ मच, 120 प्लस 1 का क्यूब क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो क्या आएगा इसका आंसर, 68,921। है ना काफ़ी आसान, लेकिन आपको इसमें सब सिर्फ क्या करना है, अच्छे से मल्टीप्लिकेशन प्रॉपरली करना है तो आपका आंसर एकदम करेक्ट आएगा। तो अभी हम चलते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 5.2 की तरफ और अभी हम लोग सॉल्व करेंगे हमारा फर्स्ट सम जो है k+4(q)। तो अभी हम सॉल्व करते हैं k+4(q)। तो फॉर्मूला के हिसाब से पहले वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। हम लोग का वैल्यूज क्या था, सबसे पहले तो हम लोग को लेना था a³, तो हमारे पास आएगा k का क्यूब प्लस 3 × ए, मतलब के का स्क्वायर इंटू बी, ठीक है। तो बी क्या था हमारा, 4 प्लस सेकेंड सेगमेंट लेंगे 3 × अभी ए सिर्फ वैसे ही रहेगा और बी क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर में आएगा प्लस बी का क्यूब, ठीक है, दैट इज 4³। तो अभी क्या करेंगे, इसका वैल्यूज फिलअप हो गया, अभी सॉल्व करेंगे। तो k³ प्लस 3×4×k² इज हाउ मच, 12k² प्लस 3×k×4², तो 4² क्या होता है, 16। 16×3 क्या हो जाएगा हमारा, 48k, और इसके बाद क्या आएगा, 4 का क्यूब क्या आता है, 64 आता है। तो हमारा आंसर क्या आया, k³ + 12k² + 48k + 64। देखिए दो ही स्टेप में हमारा ये सम जो है वो सॉल्व हो गया है। लेकिन आपको इसमें एक खास ध्यान देना है कि अगर आपका जो इंडेक्स है इसका, अगर वो सेम रेंज का आता है, तो समझो यहाँ पे भी स्क्वायर आया, यहाँ पे भी स्क्वायर आया, तो इसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन या जो भी ऑपरेशन होगा वो करना भूलना नहीं है। लेकिन अगर इंडेक्स जो है इसका सेम नहीं आया तो हमारा आंसर वहीं पर ख़त्म होता है, जैसे कि यहाँ पर। तो उसका जो नेक्स्ट सम है वो हम करते हैं जो है 7x + 8y³। तो क्या करेंगे, सेकेंड सम पहले लिख लेते हैं, 7x + 8y³। तो अभी इसको सॉल्व करने का हम स्टार्ट करते हैं। पहले फॉर्मूला में डालेंगे a का क्यूब प्लस 3 × a क्या है, 7x² × b, दैट इज 8y, प्लस 3 × a वैसे ही रहेगा,
इंटू बी स्क्वेयर, ठीक है, प्लस क्या आएगा बी ब्रैकेट क्यूब, ठीक है। अभी क्या करेंगे, वैल्यूज फिलअप हो गया, अभी हम आंसर निकालेंगे। 7x³ कितना होता है, 7 का क्यूब इज 3, 43, और x का क्यूब इज x³ प्लस 3 इंटू 7 इंटू 8 कितना हो जाएगा। पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा आसान करते हैं, 3 वैसे ही रखेंगे, इंटू 7 स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, x का स्क्वायर इज x² इंटू 8y वैसे ही रखते हैं, प्लस 3 इंटू 7x वैसे ही रखते हैं, इंटू 8y² क्या आएगा अपना, 8y का स्क्वायर इज 64, 8 का स्क्वायर और y का स्क्वायर इज y² प्लस 8³ इज 512 y³, ठीक है। अभी आपको एक चीज़ इसमें बहुत ध्यान में रखना है, दैट इज़ अगर आपको ये चैप्टर और जो भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है और एक्सपेंशन फार्मूलाज है उसके सारे चैप्टर्स पॉलिनोमियल के भी, आपको स्क्वायर और क्यूब्स बाय हार्ट होना, 20 तक के स्क्वायर्स और 20 तक के क्यूब्स जो है वो बाय हार्ट होना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप अगर एक बार क्यूब्स बाय हार्ट कर लोगे, स्क्वायर्स बाय हार्ट कर लोगे, तो आपको बार बार मल्टीप्लिकेशन करते बैठने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ जो है हम लोग निकाल लेंगे आंसर उसका। 343 x³ वैसे ही रहेगा, प्लस 3 इंटू 49 इंटू 8y, तो इसका मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या आएगा, 1176 x² y, ठीक है, ये x² और ये y, प्लस 3 इंटू 7 इंटू 64 का मल्टीप्लिकेशन आएगा 1344 xy² जिसका स्क्वायर है उसको ही देना है। अगर आप मल्टीप्लिकेशन में y का स्क्वायर x को दे दोगे तो आपका गलत हो जाएगा, तो जिसके पास स्क्वायर है उसी के साथ वो आना चाहिए, ठीक है, प्लस 512 y³ वैसे ही रहेगा। तो ये आ गया हमारा आंसर फाइनल, ठीक है। तो अभी हम लोग करेंगे जो हमारा थर्ड सम है, वो बहुत ही इजी है थर्ड सम हमारा, तो थर्ड सम करते हैं। थर्ड सम इज 7 प्लस m ब्रैकेट क्यूब, वापस से फॉर्मूला में पहले फिलअप करेंगे, a क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू a इंटू b स्क्वायर प्लस b क्यूब, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। भले मैं a b बोल रही हूँ फॉर्मूला के लिए, लेकिन आई एम राइटिंग द वैल्यूज ओनली, ठीक है। आप चाहे तो अगर एग्जाम में आपको सॉल्व करना है तो पेज पे कहीं ऊपर पेंसिल से फॉर्मूला लिख लेना और उसको देख के आप उसको फिलअप कर सकते हो आपके सम में, ठीक है। अभी क्या करेंगे, 7 का क्यूब इज 343 वैसे ही रहेगा, प्लस 3 इंटू, अभी 3 वैसे ही रखते हैं, 7 स्क्वायर इज 49 इंटू m वैसे ही रहेगा, प्लस 3 7 जा 21 और m स्क्वायर उसके साथ प्लस m क्यूब, ठीक है। तो 343 वैसे ही रहेगा, प्लस 3 इंटू 49 प्लस m क्या हो जाएगा, 147 m प्लस 21 m स्क्वायर प्लस m क्यूब, ठीक है। अगर आपने देखा होगा ध्यान से तो आपके जो पहले के दोनों सम्स थे उसका जो है इंडेक्स जो है पूरा ऑर्डर जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में आया है, एक्सेप्ट जो लास्ट वाला बी का था, और ये क्या हुआ है देखिए यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में आया है। यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, लेकिन जहाँ पे ऊपर एक वेरिएबल था वहाँ पे आपका क्या आया, डिसेंडिंग ऑर्डर में आया, और ये असेंडिंग ऑर्डर में आया है। तो आपका सम अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आए तो कोई इश्यू नहीं है, आप चाहे तो इसको सीधा करके भी लिख सकते हो, बस उसके उसके साइन साथ में लिख देना, ठीक है। अभी करते हैं हम लोग फोर्थ सम, जो हम लोगों ने अलग टाइप का सीखा था कि आपको सिर्फ इंडिविजुअल दिया जाता है सम, 52 ब्रैकेट क्यूब।
तो 52 को हम कैसे ब्रेक करेंगे? 52 को ब्रेक करेंगे ऐसे दो पार्ट में, जैसे हम लोग को सॉल्व करने में आसानी हो। तो 50 + 2 हम लोग इसको ब्रेक करेंगे ब्रैकेट क्यूब। वापस से अभी जो हम लोग के पास ब्रैकेट क्यूब आ गया, तो हम लोग इसका फॉर्मूला फिलअप करेंगे, दैट इज ए क्यूब प्लस 3 × a² × b प्लस 3 × a × b² प्लस बी क्यूब। तो बी क्यूब इज 2 का क्यूब। ठीक है, अभी क्या करेंगे? 50 का क्यूब क्या आता है? 125 एंड इसके ऊपर 000। तो 5 का क्यूब इज 125, उसके ऊपर हम लोगों ने दिए है 3 0 प्लस 5। अभी ये क्या करेंगे, 3 वैसे ही रखेंगे, और 50 का स्क्वायर क्या आता है? 5 का स्क्वायर इज 25 और उसके ऊपर देंगे 2 0 × 2 वैसे ही रखेंगे, प्लस 3 × 50 वैसे ही रखेंगे, × 2² = 4 प्लस 2 का क्यूब = 8। अभी क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रखते हैं, 125 000 प्लस 3 × 2500 × 2 = 15,000। ठीक है, प्लस 3 × 50 × 4 = 600 + 8। तो अभी देखें, यहाँ पे कोई भी जो है किसी को भी वेरिएबल नहीं है, और ये सारे नंबर्स जो है सिर्फ डिजिट में, तो इनका ऑपरेशन इन पे हो सकता है। और ऑपरेशन कौन सा होगा? सब में एडिशन है, तो हम लोग एडिशन ही सब में करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी सबका एडिशन कितना आ रहा है हमारे पास? 140608। ठीक है, तो हमारे पास एडिशन आता है 140,608। ये है हमारा फाइनल आंसर। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे हमारा अगला सम, जो कि है फिफ्थ सम, और वो है 101 ब्रैकेट क्यूब। ये सबसे फेवरेट सम है एग्जामिनर्स का, क्योंकि ये एग्जाम में हमेशा आता है, जनरली तो आता ही है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले फॉर्मूला में डालेंगे, कैसे? पहले ब्रेक करना पड़ेगा 100 + 1। ठीक है, तो पहले इसको ब्रेक करेंगे और ब्रैकेट क्यूब में डालेंगे, फिर क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला बनाएंगे। तो पहले a का क्यूब प्लस 3 × a² × b प्लस 3 × a × b² और b क्या है हमारा 1 + 1 क्यूब। अभी क्या करेंगे, 100 का क्यूब कितना आता है? पहले हम लोग क्या लिखेंगे, तो 100 के ऊपर कितना जीरो आएगा, दैट इज हम लोग को 3 बार देना है 00। तो 1 वैसे ही लिखा, 00 00 एंड 1 more 0, तो टोटल आएगा 60। ठीक है, प्लस 3 × 100² क्या हो गया, 3 वैसे ही रखेंगे हम लोग, 100² = 10,000। ठीक है, × 1 वैसे ही रखा है अभी के लिए, 3 × 100 × 1² तो 3 × 100 = 300 × 1² = 300 ओनली, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही आता है, 1 का क्यूब भी 1 ही आएगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 10 लाख है, जो 100 का स्क्वायर है, वो वैसे ही लिखते हैं अभी के लिए, एंड 6 प्लस 3 × 10,000 × 1 = how much 3 × 10,000 = 30,000 एंड × 1 = 30,000 ओनली, प्लस 300 + 1। तो अभी हम लोग को सिर्फ इसको ऐड करना है, तो हमारा टोटल आंसर क्या हो जाएगा, 10,30,301 10,30,301 ये हमारा इसका आएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो अभी हम लोग करते हैं अगला वाला सम। हमारा अगला और सिक्स्थ सम जो है वो क्या है, थोड़ा सा अलग है, x + 1/x (ब्रैकेट q)
क्यूब। तो अभी हमारे पास जो है ऑलरेडी दो टर्म्स है, तो हमें उसको वैसे ही जो है फॉर्मूला में डालना है। तो एक फ्रैक्शन है और एक होल नंबर है, मतलब वेरिएबल है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, पहला हम लोग का क्या था, ए क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी। तो ये बी पूरा है, इसके लिए हम लोग इसको स्क्वायर में डालेंगे और ब्रैकेट में डालेंगे, प्लस बी क्यूब, ठीक है, समझा आपको। अभी आगे करेंगे, एक्स क्यूब वैसे ही रहेगा हमारा, प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था तभी कि रिड्यूस हो जाएगा, x अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, राइट। तो आपको मैं करके दिखाती हूँ, 3 इंटू एक्स स्क्वायर इज 3, एक्स स्क्वायर इंटू 1 मतलब वही रहेगा, अपॉन क्या हो जाएगा पूरा x आएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 x, तो अभी ऐसे ही रखते हैं, 3 इंटू एक्स इंटू 1 का स्क्वायर इज 1 अपॉन x का स्क्वायर इज x। तो इसको मैंने जैसे आपको बोला डिनोमिनेटर को उसका वैल्यू देना भूलना नहीं है, ठीक है। प्लस 1 का क्यूब इज 1 अपॉन x का क्यूब इज x क्यूब। तो अभी क्या करेंगे, देखिए रिड्यूस फॉर्म कैसे होगा, x क्यूब वैसे ही रहेगा यहाँ पे, प्लस क्या हो जाएगा, ये जो है x एक इसमें से कट हो जाएगा, जैसे x 1 जा x एंड x जो है यहाँ पे एक ही बचेगा। तो दो एक्स है इसमें से, उसमें से एक हम लोगों ने डिवाइड किया, तो क्या बचेगा, सिर्फ एक एक्स बचेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊँ, तो जैसे हम लोग करते हैं 4/2, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे 2 1 2 2 2, तो ये 4 क्या होता है जनरली 2+2 होता है, तो हम लोग ये 2 कट करते हैं और ये 2 कट करते हैं, तो बचता क्या है, सिर्फ एक 2, इसके लिए 2 2 4, तो हम लोग का आंसर आता है 2। वैसे ही यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया, 2x में से हम लोगों ने एक x जो है वो काटा, तो कितना बचा, एक ही x बचा। प्लस अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर वाला x कटा था, अभी यहाँ पे क्या कट रहा है हमारा, न्यूमरेटर वाला x जो है वो कट हो रहा है, तो ये x कटेगा यहाँ पे, सिर्फ डिनोमिनेटर में x बचेगा। तो 3 इंटू 1 इज 3 अपॉन, यहाँ पे कितना बचा, सिर्फ एक एक्स बचा, प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है, समझ में आया आपको, है ना, बहुत आसान, बस कॉन्सेप्ट समझने का ज़रूरत होता है। अभी हम लोग हमारा 7th वाला सम जो है वो करेंगे। 7th सम में क्या दिया है, ऐसे टाइप का ही है, 2m प्लस 1 अपॉन 5 ब्रैकेट क्यूब, ठीक है। अभी क्या करेंगे, सेम तरीके से करना है, ए भी है और बी भी है, तो पहले ए क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए वैसे ही रहेगा इंटू बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है। अभी क्या करेंगे, वैल्यूज फिलअप करेंगे, 2 क्यूब इज 8, एम क्यूब इज एम क्यूब प्लस 3 इंटू 2m स्क्वायर, तो 3 वैसे ही रखते हैं, 2m स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, 4m स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज 4, m का स्क्वायर इज m स्क्वायर, इंटू 1/5 वैसे ही रखते हैं, प्लस 3 इंटू 2m वैसे ही रखेंगे, इंटू 1 स्क्वायर इज 1, 5 स्क्वायर इज 25, ये भूलना नहीं है, डिनोमिनेटर को भूल के चलने वाला नहीं है, प्लस 1 क्यूब इज 1, 5 क्यूब इज हाउ मच, मैंने आपको बोला है कि आपको याद करना है, याद कीजिए ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। 5 क्यूब इज 125। अभी आगे क्या करेंगे हम लोग, ये जो सॉल्व करेंगे सम्स बचा हुआ, ठीक है। तो अभी क्या हो गया,
देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, 8m³ वैसे ही रहेगा, 3 × 4, 3 2 3 4 12, इंटू 1 इज 12 1 12, तो m² वैसे ही रहेगा, अपॉन क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस 3 2 6 × 1 इज 6, m अपॉन 25 प्लस 1 अपॉन 125। ठीक है, यहाँ पे दूसरा कोई ऑपरेशन हम लोग कैरी आउट नहीं कर सकते, इसके लिए हमारे ये जो सम है वो वहीं पे खलास हो रहा है। ठीक है, अभी हमारा लास्ट सम इस एक्सरसाइज का हम लोग सॉल्व करेंगे और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा आई होप। आप रिवाइंड करके देखिए अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी लग रहा है तो। ठीक है, सारे सम मैंने आपको सॉल्व करके वैसे भी दे दिए हैं, तो हमारा आखिरी सम है 5x/y प्लस y/5x। इंटरेस्टिंग है काफ़ी, क्योंकि इन्वर्स में हमें दोनों फ्रैक्शन मिले हुए हैं। ठीक है, एक फ्रैक्शन दूसरे का इन्वर्स है, तो वैसे ही सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 8³ प्लस 3 × a² इंटू बी इज वाई अपॉन 5x प्लस 3 × पहले a वैसे ही रहेगा हमारा, इंटू बी का स्क्वेर वाई अपॉन 5x स्क्वेर प्लस बी क्यूब। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ का। अभी क्या करेंगे, 5x³ क्या होता है हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 125x³/y³। ठीक है, फिर क्या आएगा हमारा, प्लस 3 × वैसे ही रखते हैं, 5² इज 25x² / y² इंटू y इंटू अपॉन 5x प्लस 3 × 5x/y वैसे ही रखते हैं, इंटू y² इज y² / 5x² इज 25x² प्लस, अभी यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, y³ वैसे ही रहेगा अपॉन 5x³ क्या हो जाएगा, 125x³ हो जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हम लोग ये जो वैल्यूज है इसमें क्या कट हो सकता है वो हम देखेंगे। अभी देखिए ये पहले वैसे ही लिख लेते हैं, स्टार्टिंग वाला 125x³/y³ प्लस 3 वैसे ही रखते हैं अभी के लिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ एक x बचेगा, राइट। फिर क्या होगा, यहाँ पे एक y कट हो जाएगा, यहाँ नीचे सिर्फ एक y बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे xy गया, सिर्फ 5 बचा, अभी 5 1 5 5 5 25, तो यहाँ पे बचा 5x और यहाँ पे बचा y, तो 3 × 5x/y, तो 3 5 15x/y। समझ में आया आपको क्या किया हम लोगों ने, प्लस अभी क्या करेंगे हम लोग, y कट, यहाँ पे एक y कट तो बचा एक y, x कट यहाँ पे बचता है एक x, तो यहाँ पे बचा y/x। अभी यहाँ पे और भूलना नहीं है कि 25 भी है, अभी क्या करेंगे, 5 1 5, ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिला, 3 × 1 × y, तो हमारा ऊपर का आंसर क्या हो गया, 3 1 3 × y इज 3y/, नीचे क्या बचा, 5 1 5 5 5 25/5x जो है वो हमारा नीचे बचा हुआ है, वो हम लोगों ने वैसे ही लिखा, और आगे क्या बचा था हमारा, y³/125x³। ठीक है, समझ में आया आपको, थोड़ा आपको जगह ज़्यादा रहेगा ना तो आप थोड़ा छुट्टा छुट्टा करके लिखो, एग्ज़ाम में आपको ऐसा कट करने को अलाउड नहीं है, ये बस मैंने आपको दिखाने के लिए किया हुआ है। आप चाहो तो पेंसिल से टेम्परेरी कट करो, लेकिन इरेज करना भूलना मत, एग्ज़ाम में अलाउड नहीं है ऐसे कट वट करके देना। ठीक है,
ये हो गया हमारे सारे सम्स जो थे सेकंड इसके प्रैक्टिस सेट के फिफ्थ चैप्टर के। अभी हम बहुत लंबा वीडियो हो गया है, तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से समझ लीजिए, इसका पार्ट वन भी देखिए अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो, ठीक है। और आपको अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो। और वीडियो को रिवाइंड कर करके देखिए, आप जितना अच्छे से देखोगे उतना आपको समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में। आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट ज़रूर करना। और अगर आपने नोटिफिकेशन का आइकॉन टैप नहीं किया है अभी तक तो ऑन कीजिए, ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ।